हो गया अलाउ, देखिए। चलिए ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होना चाहिए उसमें प्रॉपर्टी, पेरियोडिक होना चाहिए और बाई डायरेक्शन होना चाहिए। बाई डायरेक्शन यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, यानी पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी। उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो लिख देंगे अ करंट विच पेरियोडिकली चेंजेज डायरेक्शन इज कॉल्ड एसी। थोड़ा अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे इसका तो ऐसे देखेंगे, जैसे कि देखिए ये मान लो ये आई है, ये जो है टाइम एक्सिस है, टाइम के साथ में शुरू में क्या हो गया आई नॉट कुछ समय तक रहा, फिर क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया और ये क्या हो गया माइनस आई नॉट। फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहा, फिर क्या हो गया अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में तक रहेगा। तो देखो एक पीरियड यहाँ तक में कंप्लीट हो रहा है, ये जो है टी बाई टू हो गया, ये टी हो गया, ये थ्री टी बाई टू, फिर से चीजें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम रेक्टेंगुलर वेव ए सी कहेंगे या तो स्क्वायर वेव ए सी, इसे हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर वेव एसी। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव एसी। ठीक है सर, बोलिए। सर बहुत धुंधली वीडियो आ रही है सर। हाँ क्या सबको आ रही है, कोई है जिनको सही आ रही है? यस सर। ठीक है, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा किसमें इस टाइप से चलते रहेगा, तो ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मान लो क्या हमारा मैक्सिमम आई नोड, तो इधर क्या रहेगा माइनस आई नोड, ये प्लस आई, तो ये देखो प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता रहेगा, ये भी प्लस माइनस प्लस, यानी इसमें करंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस हाफ टाइम तक करंट क्या हो जाएगा बैकवर्ड, फिर ये कुछ समय तक फॉरवर्ड रहेगा, फिर कुछ समय तक बैकवर्ड रहेगा। यहाँ भी देखो करंट क्या धीरे धीरे चेंज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फिर क्या हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया टी बाय टू, वन टाइम पीरियड कंप्लीट किया ये टी हो गया, फिर ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इस एसी को हम कहेंगे ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वेव एसी, क्या हो गया ट्राइंगुलर वेव एसी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है ट्रायंगुलर वेव एसी, और भी बहुत सारे टाइप का, ऐसा नहीं कोई लिमिटेड है एक दो टाइप का, या आप लोग अभी तक देखे हैं साइन वाला तो सिर्फ एक एसी का वही सेफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आई नॉट, ये क्या हो गया माइनस आई नॉट। देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये टी बाय टू यानी टाइम पीरियड हो गया। तो इस टाइप का जो होता है इसे हम कहते हैं साइनोसोइडल एसी, स्वाइडल एसी, ये हो गया साइनोसोइडल एसी। ठीक है, इसमें सारी चीजों में एक चीज का एक चीज नोटिस कीजिए कि एम्पलीट्यूड यहाँ भी आई नॉट था तो इधर माइनस आई नॉट, यहाँ प्लस आई नॉट तो यहाँ माइनस आई नॉट, यहाँ भी आई नॉट था यहाँ भी आई नॉट ही एम्पलीट्यूड, यहाँ भी आई नॉट है इधर भी आई नॉट ही रहेगा, अगर यहाँ का एम्पलीट्यूड आई नॉट है नेगेटिव में भी आई नॉट ही रहेगा। तो पूरे एसी का एक कंडीशन है पीरियोडिक और बाय डायरेक्शनल रहेगा,
और इसका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, पीरियोडिक होगा, बाय डायरेक्शनल रहेगा और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखो कुछ मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ली होंगे। अब देखो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, बताइएगा किस टाइप का एसी है, या एसी है या नहीं है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए ये जो ये इस ये किस टाइप का एसी है, इस एसी का हम क्या नाम देंगे, बताइए। सर एसी नहीं होगा ये। यस सर एसी नहीं है। क्यों एसी नहीं है? आंसर सही है, मैं लिख दिया एसी नहीं है। क्यों एसी नहीं, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। वेरी गुड, चल इस ये बताइए, ये बताइए इसे क्या हम कौन सा एसी कहेंगे, साइनोसोइडल एसी कह सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि वो आईओ और वो माइनस आईओ नहीं है सर, वो जीरो पे आ रहा है उसका वो पीक जो नीचे वाला है। नो एसी, एसी क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, जीरो पर आने का मतलब नहीं, अगर ऊपर भी रहता तब भी, ये तो ये भी आई नोड है और ये भी आई नोड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से ऊपर गए तो आई नोड हो गया, यहाँ से नीचे आए तब इतना लेंथ आई नोड है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव, यानी करंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हो सकता है कभी ज्यादा जा रहा है, कभी उससे थोड़ा कम जा रहा है, कभी उससे थोड़ा कम जा रहा है, कभी कम जा रहा है, एकदम कम जा रहा है, लेकिन जो है बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है सर, ये बायडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल क्या है मतलब? बायडायरेक्शनल मतलब होता है दो डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, बाय डायरेक्शन का मतलब है कि करंट जो है दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे ये देखो, अगर ये कोई सर्किट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर हम एसी ईएमएफ ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो अगर एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक कुछ समय के बाद करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसे हम बाय डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही है, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर हम इसी ही हम इस डायग्राम में देखेंगे तो देखो, करंट कुछ समय तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कुछ समय पर करंट जो है नेगेटिव है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में।
कर रहा है, यानी अगर कुछ समय एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो कुछ समय क्या फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो इसे हम बाय डायरेक्शनल कहते हैं। तो एसी का कंडीशन है ये पेरियोडिक होना चाहिए, बाय डायरेक्शनल होना चाहिए, साथ ही साथ उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये बाय डायरेक्शनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, धीरे 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 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम इस टाइप को हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एसी जनरेट के बारे में, एसी जनरेटर, जो एसी का जनरेशन होता है वो ईएमएफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोग पढ़े हैं, क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, साइनोसोइडल एसी ईएमएफ एंड इट्स जनरेशन। जब ये साइनोसोइडल हमें फंक्शन पढ़ना है तो हमारा ईएमएफ भी क्या होना चाहिए, साइनोसोइडल होना चाहिए, एसी ईएमएफ, यानी जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ, और इट्स जनरेशन यानी करंट कैसे जनरेट करेगा। तो ठीक है, ठीक है, एक कॉइल है, ये इसका वेरिएबल क्वेश्चन है, यहां से हम ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका ईएमएफ बी वेक्टर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड, when a coil is rotated at uniform omega, at uniform omega in magnetic field EMF induced, आपको पता है कि EMF induced होगा क्योंकि theta जो है continuously change कर रहा है, और theta change करेगा तो वो क्या होगा, flux change करेगा, और फ्लक्स चेंज ही हमारा क्या देता है, और इसमें टोटल टर्न जो है वो मान लेते हैं एन टर्न है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए, और टी टाइम के बाद ये कितना एंगल पर होगा, कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से जो ईएमएफ जनरेट होगा डी फाई बाई डी टी, और जो ईएमएफ जनरेट होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीक ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, पीक ईएमएफ कहते हैं, और यही है इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी, और यही क्या है हमारा एसी ईएमएफ। इसी ईएमएफ, इस ईएमएफ का जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ये ई हो गया, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे करके चलेगा, ये क्या होगा ई नोड, और ये क्या हो गया माइनस ई नोड, ई नोड, और ये क्या हो गया माइनस ई नोड, ठीक है, यही है, ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक, यहाँ तक चलिए सब लीजिए, यहाँ तक सर, सर बोलो बोलो सर, अगर कॉस के फंक्शन में दे रखा है तब भी साइनोसोइडल बोलेंगे उसको, जैसे साइन के फंक्शन को बोलते हैं, देखो कॉस और साइन दोनों को ही साइनोसोइडल ही कहते हैं, क्योंकि देखो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा, कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा के ग्राफ में क्या चेंज होगा, तो सेम ही रहेगा, आप साइन लेकर के सॉल्व कीजिए, कॉस लेकर के सॉल्व कीजिए, क्या फर्क पड़ना है, सिर्फ ग्राफ का ही तो फर्क पड़ना है। इसमें क्या कॉस लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम ईएमएफ होगा, और यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो पर ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा, बस फर्क इतना है, और चेंज तो सेम टू सेम फंक्शन है, कॉस और साइन में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं है ग्राफ में, सिर्फ 90 डिग्री का वेरिएशन आता है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, ये जो है हमारा यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी टू आ गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, ए सी ई एम एफ, ए सी ई एम एफ या तो फिर ए सी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का ये क्या है, सोर्स। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी ई एम एफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डी सी ई एम एफ को हम दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सी जनरेटर या तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, अल्टर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब एसी के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या स्क्रीन साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीन साफ दिख रहा है आपको, आपको मतलब स्क्रीन स्क्रीन दिखना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। आपने कुछ कराया? हमने कुछ भी नहीं किया है, वो नेटवर्क का ही है। फिर बिगड़ गया, मतलब मैं क्या करूँगा इसमें, नेटवर्क का ही समझा, और भी ऊपर से आपके नेटवर्क का है, मेरे नेटवर्क का। सर मुझे आपके वॉइस सर कम आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है। नहीं, हल्की हल्की मैं बोल रहा हूँ, अभी सही जा रही है? हाँ सर, अब सही है। हाँ हल्के, मतलब मैं धीरे धीरे बोल रहा था, जब जरूरत पड़ेगा तो बोल देना, मैं जोर से बोल सकता हूँ। सर ये एक बार और बता दीजिए, एसी क्या बताया आपने, आवाज कट रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, एसी जनरेटर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है एसी ईएमएफ। हम जो एसी ईएमएफ का यूज करेंगे वो इसी तरह से यूज करते हैं। उसके बाद आता है, यही है एसी सोर्स हमारा, ठीक, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जैसे नॉर्मल हम डीसी वोल्ट डीसी ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह हम एसी ईएमएफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो प्रोड्यूस करता है, ये जो प्रोडक्शन जो होता है एसी को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्शन होता है इसका एक डायनेमो, कुछ मैं टर्म लिख रहा हूँ, डायनेमो और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। सर शायद आपकी वीडियो रुक गई। मेरी वीडियो रुक गई है? यस सर, यस सर। चलिए सुनते जाइए, लिखते जाइए, वीडियो रुक गई, मैं समझ गया क्यों रुकी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नहीं रुकेगी, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट टाइम दीजिए, ठीक है, अभी सही है वीडियो, अब चल रही वीडियो? यस सर। चलिए, इसको जो प्रोडक्शन होता है डायनेमो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इंडिया में एसी, इंडिया में जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, एसी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस,
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और यूएसए में जो है यूनाइटेड स्टेट में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है बता सकते हैं? मैं बताया हूं बहुतों को, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में? इन्वर्टर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम एसी देंगे तो वहां से हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? डीसी। और जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में कन्वर्ट करता है। एसी को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताया था हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ एक चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे ये है, अब हमारा ईएमएफ आ गया E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और अगर शायद आई इज इक्वल टू क्या आएगा, अब जो भी आना होगा वो आते जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो मेनली तीन चीजें हमें इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। एक हमें पढ़ना पीक, पीक करंट या पीक ईएमएफ, पीक करंट या वोल्टेज, यानी मैक्सिमम एसी का मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। फिर हमें पढ़ना है एवरेज करंट और वोल्टेज, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है आरएमएस करंट और वोल्टेज। अभी इस समय यही तीन मेन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पीक करंट और वोल्टेज जो होगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, पीक करंट और वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा हमारा ई नोड या आई नोड, आई नोड और ई नोड, ठीक है, ये हो जाएगा पीक करंट और वोल्टेज। और जब एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, 2/π आई नोड ये एवरेज करंट हो गया, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? 2/π ई नोड। और आरएमएस वोल्टेज या करंट क्या हो जाएगा? आरएमएस करंट हो जाएगा आई नोड बाय रूट टू, और ये क्या हो जाएगा? ई नोड बाय रूट टू, ठीक है, आई नोड बाय रूट टू, और क्या हो जाएगा? ई नोड बाय रूट टू, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये होता क्या है सर, ये आरएमएस और ये? अरे भाई अभी बोले, अभी तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सब हिम्मत तो रखो। अभी तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, अभी मैंने बस बताया है कि आगे हमें ये तीन चीज पढ़ना है और मैंने तीनों का रिजल्ट लिख दिया। हो गया, अब चलिए, ठीक है। अब देखो यहीं पर बता देता हूँ पीक, पीक करंट अलग से बताता हूँ। अब देखो शीट नंबर पीक करंट या वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, पीक करंट और वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एसी वोल्टेज, ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। ये एक तरह से जो वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे कि अगर हमें आई जो कंट्रोल आई नोट साइन ओमेगा टी है तो ये क्या हो जाएगा, यही एम्पलीट्यूड होता है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, पीक करेंट। ठीक, ये हो गया पीक करेंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पीक करेंट। और अब उसके बाद हम आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, किसी एसी की एवरेज वैल्यू, यानी करंट की एवरेज वैल्यू एक तरीके से बोला जाए। जैसे कि सपोज दैट मैं नॉर्मल एज अ फंक्शन बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है, तो ये मान लो करंट है, इधर क्या है टाइम, तो कोई भी करंट का ये फंक्शन है, इस फंक्शन से चल रहा है, तो आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम है, हमें फाइंड करना है एवरेज वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, टी वन टी टू, तो जब हम एवरेज करंट इन सर्किट, एवरेज करंट क्या होता है, जितना करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी उस टाइम में टी वन से टी टू के बीच में कितना करंट फ्लो किया है, उसके वही होगा कि कितना चार्ज फ्लो किया उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरेज करंट इन अ सर्किट, एवरेज करंट किसी सर्किट में क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू होता है, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, आई इन टू डी टी, जहां से जहां तक बोला गया है टी वन टू टी टू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये टाइम वेरिंग करंट के लिए अगर डायरेक्ट रहता स्ट्रेट लाइन तो हम एरिया लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट फॉर अ टाइम वेरिंग करंट जो वेरी करता है, टाइम वेरिंग करंट तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लिख देंगे टी वन टू टी टू, आई का जो फंक्शन है टाइम के साथ में आई डी टी, और ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी क्या लिख देंगे टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, या तो टी टू माइनस टी वन ही डेल्टा टी है, डेल्टा क्या है टी टू माइनस टी वन ही है, आई एवरेज को हम लिख देंगे, ध्यान में रखिएगा वन बाय डेल्टा टी इन टू टी वन टू टी टू आई इंटू डी टी, यही क्या हो गया हमारा, हमारे पास एवरेज करंट। अब हमें इसके हेल्प से एसी का फाइंड करना है, टी वन टू टी टू, चलिए तो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये एवरेज करंट हमें क्या बताता है, एवरेज करंट बताता है कि ये जो एवरेज करंट जो है वो एसी चला, अगर किसी सर्किट से होकर के एसी फ्लो किया, किसी सर्किट से होकर के कोई रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पर हमने इस एसी को लगा दिया है, तो टी टाइम में कुछ चार्ज जो है फॉरवर्ड, कुछ चार्ज फ्लो किए होंगे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, मतलब एक चार्ज जो है फ्लो किया होगा रेजिस्टेंस से कुछ चार्ज, ठीक है, अगर वही हम डीसी लगा देते उसी रेजिस्टेंस पर, यही सेम रेजिस्टेंस पर, तो उस उतना ही सेम चार्ज फ्लो करता, ठीक है, यही हम आई एवरेज लिखते हैं। चलिए एक बार पहले इंग्लिश लिखते हैं,
फिर उसके बाद इसको मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश एक बार देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू द मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू that DC is equal to that DC value due to which in a circuit some charge flow due to which in a circuit some charge flow which flows due to AC in same direction देखो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर सपोज दैट कुछ सर्किट लेते हैं, सर्किट में सिंपल सर्किट लेते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है? यहाँ ईएमएफ क्या है, ये नोट साइन ओमेगा टी, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इससे हमने कुछ टी वन से टी टू समय तक इसके ये को क्लोज रखा, कहा T1 से T2 समय तक, तो हमने देखा कि इससे कुछ चार्ज फ्लो किया, इससे चार्ज जो फ्लो किया क्यों, ठीक है, क्यों, और यानी इससे करंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी स्पेस में, पर इससे कुछ क्यों चार्ज फ्लो किया T1 से T2। तो अब हम ये सोचने लग गए अब हम कितना करंट सप्लाई करें, कितना यहाँ से डीसी करंट सप्लाई करें अगर हम ये स्विच जो है T1 से T2 क्लोज करके रखें, तो जो चार्ज फ्लो करे वो क्यू ही चार्ज फ्लो करे, ठीक है? तो हमने देखा कि इससे जो आई एवरेज जब हमने निकाला, इससे आई एवरेज और उस आई एवरेज को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो सेम करंट फ्लो किया। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि आई एवरेज वो वैल्यू है, आई एवरेज वो वैल्यू है जब हम किसी डीसी करंट को फ्लो कराते हैं उस सर्किट से, तो वो सेम जो है चार्ज फ्लो करता है जितना कि उस गिवन टाइम में एसी जो है चार्ज को फ्लो करता है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए, क्लियर बताइए। अच्छा बताओ, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से मैं समझाता हूँ, देखो, ठीक है, फिर से एक बार जैसे कि देखो, हमें पता है कि जब करंट फ्लो करता है तो क्या फ्लो करता है?